हेलो मूवी लवर्स दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जो बाहुबली के साथ रिलीज होने के बावजूद 100 दिनों से भी ऊपर तक थिएटर में लगी रही, और यही नहीं आगे जाकर फिर इसी मूवी को भारत की तरफ से ऑस्कर में जाने वाली 305 मूवीज की फाइनल लिस्ट में भी चुना गया। दोस्तों, इस चैनल को बनाने का हमारा मकसद यही है कि हम आपको दुनिया भर में बनने वाली कुछ ऐसी चुनिंदा फिल्मों से रूबरू करवाएं जो बेहतरीन होने के बावजूद बड़ी फिल्मों की चकाचौंध में अक्सर फीकी पड़ जाती हैं, और सिनेमा के चाहने वाले जो अच्छी मूवी देखने के लिए तरसते हैं उनसे ये मूवीज़ मिस हो जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में आज आपको बताने वाले हैं वो है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री, जिसे हम संदलवुड भी कहते हैं, कि एक मास्टरपीस मूवी रंगी तरंगा। रंगी तरंगा एक ऐसी मिस्ट्री और थ्रिलर से भरपूर मूवी है जो आपको पहले सीन से ही अपने साथ जोड़ लेगी और आखिर तक अपने साथ बांधे रखेगी। कहानी की बात करें तो इसकी शुरुआत गौतम नाम के कैरेक्टर के साथ होती है, जो पेशे से राइटर है और पहचान छुपाकर अपनी पत्नी इंदु, जो कि अब प्रेग्नेंट है, के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंदु को बुरे सपने सता रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी आने वाली संतान के लिए डरी हुई है। दरअसल उसके दादा ने अपने गांव छोड़ने से पहले वहां के भूत मंदिर से सोना चुरा लिया था, जिसे बन के परिवार में एक एक करके सभी सदस्यों की मौत हो जाती है। इंदु को यही डर अपने पति गौतम और होने वाले बच्चे के लिए भी सता रहा है, जिसके लिए वो चुराया हुआ सोना वापस भूत मंदिर में रखना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस सब के पीछे यही वजह है। गौतम उसकी बात तुरंत मान लेता है और वो दोनों इंदु के गांव कमरुट्टू के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ऊपर से खूबसूरत और शांत सा दिखने वाला ये गांव दरअसल अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। यहाँ के लोग भी किसी अनजान खतरे से डरे हुए और सहमे से रहते हैं। यहाँ पे पिछले कुछ सालों से अजीब तरीके से लोग गायब हो रहे हैं, और गाँव वालों की माने तो इसमें इंसान का कम और शैतान का हाथ ज़्यादा लगता है। कमरुट्टू गांव में आने के बाद भी इंदु का डर उसका पीछा नहीं छोड़ता, और एक दिन अचानक वो भी गायब हो जाती है। पुलिस में अपनी बीवी के गायब होने की रिपोर्ट करने के बाद गौतम को पता चलता है कि उसकी पत्नी इंदु कई साल पहले ही मर चुकी है। गौतम ये सुनकर चकरा जाता है और एक गहरी सोच में पड़ जाता है कि वो इतने सालों से जिसके साथ रह रहा था वो कोई इंसान थी या आत्मा। कहानी में एक संध्या नाम का तीसरा कैरेक्टर भी है, जो अनाशकु नाम के एक मिस्टीरियस राइटर को ढूंढते हुए उसी गांव में आई हुई है, जिसका कनेक्शन उसके पास से जुड़ा हुआ है। इन्हीं सभी पहेलियों का जवाब ढूंढने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी, जो यकीन मानिए क्लाइमैक्स आते आते आपके दिलो दिमाग को पूरी तरह से हिला कर रख देगी। दोस्तों, इस लेवल की मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसमें स्टोरी पे बहुत बारीकी से काम किया गया हो। इस मूवी को एक टिपिकल साउथ इंडियन मूवी समझने की गलती मत करना, क्योंकि फिल्म बहुत ही रियलिस्टिक है और पूरी मूवी देखने के बाद कोई भी ट्विस्ट आपको अनरियलिस्टिक या इलॉजिकल नहीं लगेगा। इस फिल्म को डायरेक्टर ने हॉरर के तड़के के साथ इस तरह बनाया है जो बैकग्राउंड स्कोर के साथ मिलके आपके होश उड़ाने का काम करेगा। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 8.3 की रेटिंग मिली हुई है, जो अपने आप में इसके बेहतरीन होने का सबूत है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनूप भंडारी ने, जो गौतम का कैरेक्टर निभाने वाले निरूप भंडारी के बड़े भाई हैं, और इनका साथ दे रहे हैं राधिका चेतन, अवंतिका शेट्टी और एक छोटे मगर बेहद अहम किरदार में कन्नड़ सुपरस्टार साई कुमार। अगर हम इस वीडियो के जरिए मूवी के लिए आपकी एक्साइटमेंट को बढ़ा पाए हैं तो ये मूवी आपको YouTube पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके पास हमारे लिए किसी मूवी का सजेशन है या कोई शिकायत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार बता सकते हैं। हम आगे भी आपके लिए सिनेमा जगत की ऐसी ही मास्टरपीस मूवीज लाते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। उम्मीद है साथ बना रहे।